वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 19 ये, जिसमें विजय सेतुपति और नित्या मेनन लीडिंग रोल पर है। अब मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छा एक सोशल मैसेज देती है। एक्चुअली हमारे इंडिया में आर्टिकल नंबर 19 ये के हिसाब से हर एक सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हर एक सिटीजन को बोलने का हक है। लेकिन जब कोई बंदा किसी की सच्चाइयां बाहर रखता है, उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, उस बंदे को स्पीचलेस कर दिया जाता है। यही इस मूवी में दिखाया है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना दूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही गौरी शंकर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो एक नॉवल राइटर और सोशल एक्टिविस्ट होता है। एक रात गौरी शंकर अपने रूम से बाहर निकलता है ऐसे ही चाय सिगरेट वगैरह पीने के लिए, और जब गौरी शंकर चाय पी रहा होता है तभी गौरी शंकर के पास बाइक में दो बंदे आते हैं। गौरी शंकर को गन से मार के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन एक दिन पीछे जाता है, जहाँ पर पेनकुट्टी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एक्चुअली मूवी में इस लड़की का नाम नहीं, मैं इसका नाम रखूंगा सीता। सीता एक जेरॉक्स शॉप को रन कर रही होती है। एक्चुअली जब से सीता की माँ मर गई, तब से लेते हुए सीता का फादर कुछ भी जिम्मेदारियाँ ना लेते हुए उस जेरॉक्स शॉप को अपनी बेटी को देकर यह गाँव में इधर उधर फिरता रहता है। हर एक दिन गौरी शंकर सीता की जेरॉक्स शॉप आता है, अपने नए नावल की पेपर्स सीता को देते हुए कहने लगता है कि आप इसकी कॉपी निकालकर बाइंडिंग करके रखिए, मैं रात में आकर ले जाऊंगा, शायद मुझे रात को आने में लेट होगा, प्लीज आप मेरे लिए वेट करिए। ऐसा कहकर गौरी शंकर वहाँ से चला जाता है। खर्च के बाद गौरी शंकर एक मीटिंग को जाता है, वहाँ पर इसको बहुत लेट होता है। रात होने के बाद गौरी अपने बहन के घर आता है, दरवाजा खटखटाने लगता है, कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता, अपने बहन का बहुत देर तक इंतजार करता है, लेकिन फिर भी इसके बहन ना आने पर गौरी वापस अपने रूम चला जाता है। इस तरफ सीता गौरी का इंतजार करते करते अपनी दुकान में ही सो जाती है। बहुत देर बाद ये अपनी नींद से जागती है, देखती है कि गौरी अभी तक इसकी दुकान को नहीं आया। ज्यादा लेट होने पर सीता अपना दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन सीता की फ्रेंड आरा सीता के घर आती है, बातों ही बातों में आरा सीता से कहने लगती है कि मेरी मैरिज फिक्स हो चुकी है। सीता पूछने लगती है क्या तुमको ये शादी पसंद है। आरा कहने लगती है कि मेरी पसंद का नापसंद का क्या लेना देना, घर वालों को पसंद है। खैर दूसरे दिन जब सीता और आरा लंच कर रहे होते हैं, तभी टीवी में गौरी शंकर की न्यूज आ रही होती है। न्यूज में कहने लगते हैं कि राइटर गौरी शंकर को किसी ने गोली मार दी, उनकी बॉडी में 4 गोलियां पाई गई। सुनने में आया है कि गौरी शंकर के पास 2 लोग बाइक में आए थे। पहले से ही गौरी शंकर कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ थे, कुछ बड़े बड़े लोग गौरी शंकर को धमकियां भी दे रहे थे कि उनके बारे में अगर लिखना बंद नहीं किया तो हम तुमको मार देंगे। कल गौरी शंकर राइटर्स की मीटिंग अटेंड करके वापस अपने घर आ रहे थे, ये हादसा हो गया। और इसी तरह न्यूज में कुछ राइटर्स ये भी कहने लगते हैं कि हमारे देश में 19 ये एक्ट सिर्फ नाम के लिए है, क्या राइटर्स को बोलने का भी हक नहीं। ये न्यूज सुनने के बाद सीता बहुत मायूस होती है। खैर दूसरे दिन टीवी में दोबारा ये न्यूज चलने लगती है कि अब गौरी शंकर का केस तमिलनाडु के सीबीआई ऑफिसर इब्राहिम के हाथ में आया। उसी न्यूज में रिपोर्टर जन्नी इब्राहिम से पूछने लगती है, सर गौरी शंकर के केस में गवर्नमेंट बहुत ही चुपचाप है, क्या इस केस में पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। इब्राहिम कहने लगता है कि ये केस अभी मेरे हाथ में आया है, केस की इन्वेस्टिगेशन करके मैं आपको अप टू डेट देता रहूंगा, फिलहाल मुझे भी यही पता है कि उस रात 2 लोग बाइक में आकर गौरी शंकर को मार दिया। खर्च के बाद एक दिन सीधा को ये बात पता चलती है कि इसकी फादर की तबीयत बिगड़ गई, किसी जगह पर बेहोश हो गए, इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सीता और आरा फौरन हॉस्पिटल को पहुंचकर सीता अपने फादर को डांटने लगती है, उसी तरह अपने फादर की केयर करती रहती है। इसी दौरान टीवी न्यूज चैनल में गौरी शंकर का फ्रेंड आनंद का इंटरव्यू चल रहा होता है, जो KM पब्लिकेशंस का MD है। आनंद मीडिया के सामने आकर कहने लगता है कि गौरी शंकर मेरा ही फ्रेंड है, सोसाइटी में चल रहे अन्याय अत्याचार को बहुत ही खूबी से लिखता था। गौरी शंकर मरने से पहले मुझको एक मैसेज भेजा, उस मैसेज में उसने ये लिखा है, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, इस दुनिया में मेरे अक्षर सही सलामत है, वक्त आने पर वही अक्षर बात करेंगे, मेरी जान से भी ज्यादा वो मेरे अक्षर कीमती है। इस तरह से गौरी अपने फ्रेंड आनंद को मैसेज सेंड किया था। उसके बाद आनंद ये भी कहने लगता है कि पुलिस वाले फौरन गौरी के मर्डरर्स को पकड़ना होगा। खर्च के बाद सीधा अपने फादर को घर लाकर कहने लगती है कि पापा आप माँ के बारे में ज्यादा सोचकर अपनी तबीयत बिगाड़ रहे हो, अब इस घर में हम दोनों ही तो है, आप तो प्लीज मेरे सपोर्ट में रहिए। इस तरह से कुछ इमोशनल बातें करती है अपने पापा से। खैर दूसरे दिन सीता आनंद से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है, आनंद को गौरी की लिखी हुई वो नॉवल देने के लिए। माँ की एक लड़की सीता को आनंद से मिलने नहीं देती,
सीता सोच लेती है कि ये नॉवल इस लड़की को दे देगी। तभी सीता ये देखती है कि वहाँ पर सीबीआई ऑफिसर इब्राहिम आया है आनंद से पूछताछ करने के लिए। इब्राहिम को वहाँ पर देखकर सीता गौरी की वो नावल दोबारा अपने बैग में रख लेती है, किसी को भी नहीं देती, चुपचाप वहाँ से चली आती है। इस तरफ इब्राहिम आनंद से मुलाकात करके कहने लगता है कि आनंद नॉर्मली ऐसे मर्डर केसेस में क्लोज सर्किल वाले ही मर्डर करते हैं। तुम गौरी शंकर के बहुत ही क्लोज हो ना, आप गौरी शंकर को कैसे जानते हो, कहाँ पर मिले? आनंद कहने लगता है कि सर गौरी शंकर को मैं 5 साल से जानता हूँ, उसके लिखे हुए 4 बुक्स में से 3 बुक्स हमारे पास ही पब्लिश हुए। रिसेंटली गौरी शंकर ब्लैक नाम की एक नावल लिख रहा था, उस नावल में पॉलिटिशियंस के खिलाफ बहुत ही अच्छी आवाज उठाई, उस नावल में सच्चाइयों को बयान किया, यह घटना के बारे में जिक्र किया। उस नावल के बारे में एक बार गौरी शंकर ने मुझसे डिस्कस किया था। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एक रात आनंद गौरी शंकर के पास जाकर उससे कहने लगा कि गौरी तुम्हारे आर्टिकल्स कुछ पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आ रहे, मुझे डर है कि वो लोग तुमको कुछ करेंगे, हर हमेशा समाज के बारे में मत सोचा करो, कुछ अपने बारे में भी सोचो। गौरी कहने लगता है मुझे जो सही लगता है मैं वो हिम्मत के साथ लिखता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। आनंद कहने लगता है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं सब कुछ भूल के बिजनेस स्टार्ट किया। तुम भी कुछ न कुछ स्टार्ट करो, ज्यादा दुश्मनों को पैदा मत करो, कुछ दिन ये नॉवेल्स लिखना बंद करो, कुछ न कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, जॉब करो। आज ए फ्रेंड की तरह तुमको सलाह दे रहा हूँ, तुम्हारा भला चाहता हूँ, ऐसा कहकर आनंद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब गौरी शंकर वापस अपने घर आता है, इसके घर के सारे सामान बिखरे पड़े होते हैं। कुछ लोग गौरी के घर में काफी सारे किताबों को पेपर्स को जला चुके होते हैं। इन सबको इग्नोर करते हुए गौरी अपनी नई नावल को तलाश करने लगता है। जब वो नई नावल सेफ में होती है तब जाके गौरी को दिलासा मिलता है, खुश होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। सीता धीरे धीरे गौरी शंकर के बारे में जानने लगती है, उसके लिखे हुए नॉवेल्स को पढ़ने लगती है और स्पेशली वो नई वाली नॉवल। सीता गौरी शंकर के बारे में और जानने के लिए सीता रिपोर्टर जन्नी के साथ मिलकर एक दिन गौरी शंकर के बहन के घर जाती है। एक्चुअली सीता यहाँ पर इसलिए आती है कि गौरी शंकर की बहन को गौरी की वो नई नावल दे, लेकिन डरने लगती है कि अगर ये नावल गौरी की बहन को दे दिया तो शायद वो लोग गौरी की बहन को भी मार देंगे, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो सीता गौरी शंकर की बहन को उस नावल के बारे में कुछ भी नहीं बताती, बस उससे बात करके वापस अपने घर आती है। अब सीता गौरी के बहन से मिलने गई है, ये बात सीता अपने फादर को नहीं बताती। देर रात होने पर सीता जब अपने घर नहीं आती, सीता का फादर अपने शॉप जाता है, सीता का इंतजार करते रहता है। बहुत देर बाद सीता रिपोर्टर जन्नी के साथ वहाँ पर आती है, लेकिन सीता का फादर सीता को कुछ भी नहीं कहता। खैर दूसरे दिन सीता का फादर अपनी जिम्मेदारी समझकर सुबह सवेरे दुकान ओपन करता है। उसी दिन सीता को ये बात पता चलती है कि आज आरा की शादी है। फौरन सीता रेडी शेडी होकर आरा के घर जाती है। शादी में आने के बाद मौका देखकर सीता दोबारा आरा से यही पूछने लगती है, क्या तुमको ये शादी पसंद है, तुमने अपने घर वालों से बात क्यों नहीं की? आरा कहने लगती है कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया कि मुझे ये शादी पसंद है या नहीं, बस घर वालों को पसंद है, अगर मैंने बताया भी तो मेरे घर वाले मुझको नहीं समझेंगे। ये सब छोड़ो, कल तुम कहाँ पर गई थी? तुम्हारे फादर ने मुझे बहुत बार कॉल किया, शॉप में भी नहीं थी, मैं भी बहुत डर गई थी। सीता कहने लगती है बस एक फ्रेंड से मिलने गई थी। मतलब इस सीन से इस मूवी का मैसेज समझ में आता है कि आरा को ये भी बोलने का हक नहीं होता कि इसको ये शादी पसंद नहीं, उसी तरह सीता को भी गौरी के नावल के बारे में बोलने का हक नहीं होता। सीता डर रही होती है कि इस नावल के बारे में ये किसके साथ शेयर करे, किसको बताए, ताकि वो नावल सही हाथों में जाए। और उसी तरह सीता के फादर को ये बोलने का हक नहीं होता कि सीता कहाँ पर गई थी, रात को लेट क्यों आई। इस तरह से सीता, आरा, सीता का फादर अपने आप चुप ही रहते हैं। खैर शादी वगैरह होने के बाद सीता और उसका फादर वापस अपने घर आते हैं। खैर उसी आधी रात को सीता वापस अपने दुकान जाती है और गौरी शंकर की जो नावल थी उसके 4 कॉपीज निकालकर एक कॉपी रिपोर्टर जेनी को देती है, दूसरी कॉपी सीबीआई ऑफिसर इब्राहिम को देती है, तीसरी कॉपी आनंद को देती है, चौथी कॉपी गौरी शंकर की बहन को देती है, मतलब इन चारों लोगों को कुरियर करती है। ये चारों लोग गौरी की लास्ट नावल को पढ़ने लगते हैं। उस नावल में गौरी ने रिसेंटली हुए एक हादसे के बारे में जिक्र किया होता है। कुछ लोग जानबूझ के करी नाम की एक लड़की को मार के मंदिर के बगल में एक पानी का गड्ढा होता है उसमें फेंक दिया और गांव में ये बात फैला दी कि मरी हुई लड़की देवताओं का गुस्से का शिकार हुई। उसके बाद उस लड़की के बिरादरी के कुछ लोग ये पहचानने की कोशिश की कि उस लड़की के मौत के पीछे क्या राज है, लेकिन इत्तेफाक से वो सारे लोग उसी पानी में मरे हुए पाए गए और दोबारा लोगों को यही यकीन दिलाने लगे कि देवताओं की क्रोध की वजह से इन लोगों की मौत हो रही है।
लेकिन सच तो कुछ और है। जो जो लोग इनकी मौतों का राज पहचाने की कोशिश की वो सारे लोग मारे गए। बेचारे उस लड़की के रिश्तेदार इस केस के बारे में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ के भाग गए। उस लड़की के केस को बिना इन्वेस्टिगेशन किए ऐसे ही छोड़ दिया। क्या मरे हुए लोगों का उनका कलर ही उनका श्राप है? वो लोग काले थे, अछूत थे, यही उनकी गलती थी? इस तरह से ये सारी कहानी गौरी ने वो अपने नावल में लिखा था। ये नावल पढ़ने के बाद आनंद इस नावल को पब्लिश करने का डिसाइड करता है। उसके बाद एक दिन सीता अपनी दुकान लेट से बंद करके अपने घर जा रही होती है। तभी दोबारा दो लोग बाइक पर सीता के पास आते हैं, जैसा गौरी शंकर के पास आए थे। अब उन लोगों ने सीता को मारा या नहीं मारा ये ऑडियंस पर छोड़ दिया डायरेक्टर ने। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।